देवी और सज्जनों, किशनगंज व्यू पॉइंट से मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग किशनगंज सिटी के चारों तरफ आउटर साइड में रोड पर राइड करते हुए किशनगंज व्यू पॉइंट तक पहुंच गए थे, तो हम इस वीडियो का शुरुआत यहीं से करते हैं। दोस्तों, इस जगह का लोकेशन देख लो आप। पेट्रोल भराने के लिए हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे, दोनों गाड़ी में 50-50 रुपया का पेट्रोल भरवा लिया हम लोगों ने। और फिर घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं रेलवे फाटक पर। यहाँ से हमें क्रॉस करना पड़ेगा फाटक को, लेकिन अभी तो सिग्नल गिरा हुआ है क्योंकि मालगाड़ी आने वाली है और हमें वेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गर्दी से यहाँ पर दोस्तों, आप देख लो, एक तो इधर से जाने वाले रोड है नीचे फ्लाईओवर के नीचे से, और दूसरा कि इस फाटक पे वेट करने वाले लोग, तो थोड़ा सा गर्दी दोनों तरफ हो गया है। पता नहीं खुलने के बाद कितना क्राउड होगा। ट्रेन आ गई है दोस्तों, अब ट्रेन के वाइब्स का एंजॉय कीजिए आप, ट्रेन के साउंड का, जो आने का वाइब्स है उसको फील कीजिए। फाटक खुलने के बाद दोस्तों, आपने कभी किसी महाभारत या रामायण में देखा होगा कि दोनों तरफ से जो आक्रमण करने वाले लोग होते हैं बोलते थे आक्रमण, बस वैसा ही कुछ यहाँ हो गया है। रेलवे वालों ने ऐसा लग रहा है जैसे कि फाटक को उठा करके उन्होंने कहा आक्रमण, दोनों तरफ से लोग टूट पड़े एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ जाने के लिए। और अब हम लोगों का प्लान है कि हम लोग पान खाएंगे और कुछ पान लेकर के घर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, जब से मैं किशनगंज आया हूँ ना, तब से क्या ही बताऊँ आपको, पान का तो एक आदत सा लग गया है। यहाँ पर 2-3 शॉप भी मैंने देख लिया है यहाँ पर कि बहुत ही बेहतरीन पान मिलता है, तो ये पान लेना है। लेकिन आर्जेंट राइडर का प्लान है कोका कोला पीने का, कुछ तो लेमन सोडा करके है उसको वो पियेंगे इस ठंडी में, यार पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, हमें तो नहीं पीना। वहाँ के शहर की अंदर से जो रास्ता है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कहाँ से कैसे क्या जाना है, बस हमें आगे वाले राइडर को फॉलो करना है, वो जैसे जैसे लेके जाएगा वैसे वैसे हम लोग जाएंगे। दोस्तों, आ गए हम लोग पान की दुकान पे, अब 9 पान हमें पैक करवाना है। आवाज ही उसका ये वाला गाड़ी भी बहुत बढ़िया, अल्टुरा G4 देखिए कितना बड़ा गाड़ी है, साइज देख रहे हैं। पान खाने के बाद लेमन सोडा, ये देखो आप, लेमन सोडा खरीदने के लिए गया बंदा, सही है इनका, सही काट रहा जिंदगी, इतनी ठंडी में लेमन सोडा पिएगा।
कोका कोला टू हो गया यहाँ पे। फाइनली हम लोग कोको कोला कर रहे हैं। तो फाइनली की जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हैं देखिए आइसक्रीम खाने के लिए कोको कोला, और एक दिन घुसे हम लोग ठंडी पड़ रहा है इसलिए हम लोग नहीं खा रहे हैं। ताड़ी पी रहा है यहाँ पे बंदा, ये बोले मत पीजिए कुछ, वो तो मौसी जी समझ जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।